नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब आप? मैं भी अच्छा हूँ। मैं आज फिर से आपके सामने हूँ। आज हम लोग बात करेंगे पीएचडी स्कैम पर। दोस्तों, पीएचडी जो एडमिशन्स होते हैं, एमफिल में एडमिशन्स होते हैं, एडमिशन बनाने कितने ही होते हैं, बट पीएचडी में ना बहुत बड़े लेवल पे स्कैम होता है, बहुत बड़े लेवल पे। एक्चुअली होता क्या है, हालांकि देखा जाए ना तो यूजीसी ने काफ़ी नॉर्म्स दिए हैं और वो टाइम टू टाइम स्ट्रिक्ट भी रहती है, अपनी नई नई पॉलिसीज बदलती रहती है एडमिशन्स के ऊपर कि यूनिवर्सिटियाँ गलत हरकतें ना करें, बट ऐसा होता है। दोस्तों, मैं रियलिटी में ना एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ। मैं लगभग कोई 2.5-3 साल पहले एक यूनिवर्सिटी से मिला था। मैं पता, यूनिवर्सिटी की स्ट्रेटेजी क्या है, सोच क्या है उसकी? वो बोलता है कि पूरे इंडिया से घूम घूम कर हम लोग 10,000 एडमिशंस करेंगे। और कितने अवार्ड होगी, जो कॉन्वोकेशन कितने के लोगों की होगी? हार्डली 100 की, 150 की, 50 की, 200 की, बाकी सबको ये लोग चूतिया बना देंगे। दोस्तों, हमारा जो देश है ना, हमारा देश चुनौतियों से परेशान नहीं है, ये साला चूतियों से परेशान है। चुनौतियों से हम नहीं डरते। चुनौतियों हमारे मोदी जी फाइट कर रहे हैं, बहुत कुछ हमारे लिए करके लाए हैं। यहाँ पर हमारे दिल्ली में हमारे केजरीवाल साहब बैठे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, तो मैं किसी का बायकॉट या अगेंस्ट भी नहीं बोलता, बट पीएचडी की हम लोग बात कर रहे हैं। दोस्तों बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पता है उनके अंदर हज़ारों में एडमिशन्स हैं, एडमिशन ले रखे हैं उन्होंने हज़ारों की तादाद में। बस पेमेंट आती है, स्टूडेंट पेमेंट ले लेते हैं, वो जानते हैं अवार्ड तो डिग्री होगी नहीं, और बच्चों को उल्लू बनाते रहेंगे, तेरा आज ये कमी, तेरा आज वो कमी। ये कमी भी क्या होती है, यूनिवर्सिटी सीधे मुंह से बात ही नहीं करती। दोस्तों, इतने एडमिशन ये लोग लेकर बैठे हैं, गाइड इनके पास अवेलेबल ही नहीं। गाइड होना मैंडेटरी है। मैं आपको बता दूँ, यूनिवर्सिटी ने अभी एक रूल पास किया था कि नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट ही पीएचडी में एनरोल करेंगे। चलो, उसका वॉयलेशन हो गया, ठीक है, वो भी थोड़ा दरकिनार कर दिया गया। दोस्तों, पीएचडी में ना, मैं आपको खुलकर, तो मैं आपको क्या बताऊँ, खुलकर बताऊँगा, क्योंकि अभी तो एक अल्टीमेटम दिया है सभी यूनिवर्सिटीज़ को कि बेटा लाइन पर आ जाओ, लोगों को परेशान मत करो, नहीं करोगे तो फिर यूजीसी चेयरमैन से मेरी एक मीटिंग होगी। मैंने लिख कर डाला है, मैं इसीलिए सबसे बार बार निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि मेरी वीडियो को पहुँचाओ आगे तक, महकमे तक पहुँचाओ, वो लोग सुने, मुझसे मिले, कम से कम मैं उनको बता सकूँ हकीकत हो क्या रहा है। दोस्तों, किसी में दम नहीं है ना यार, लोग डरते हैं, घबराते हैं, शर्माते हैं, पता नहीं क्या होता है इनके साथ में, वो खुलकर बोलते नहीं हैं। दोस्तों, मेरे पास ना आज की डेट में बताता हूँ, कम से कम 1,000 ऐसे पीएचडी स्कॉलर्स के मेरे पास मैसेज या मेल हैं, जो बेचारे बोलते हैं अपनी आप बीती के क्या हो रहा है, 5-6 सालों से गुजर गए, एडमिशन लिए हुए उन लोगों का। अरे, और तो छोड़ो, इन सालों की बेईमानी देखो, 3 साल की पीएचडी के बाद 4th साल खुद डिले करते हैं और पेनल्टी ठोक देते हैं। और कितनी होता है, 80,000, 1 लाख, ये पेनल्टी है इन लोगों की। उससे बड़ा स्कैम क्या है साले, ये एंट्रेंस के नाम पर एंट्रेंस तो कराते ही नहीं। बहुत सारे यूनिवर्सिटी वाले विदाउट एंट्रेंस एडमिशन एनरोल कर लेते हैं, टॉपिक तो अप्रूव नहीं करते, पूछते ही नहीं है भाई तुझे रिसर्च किस टॉपिक में करनी है, साला गाइड होना हो एडमिशन ले लो। ये दुकान खुली हुई है, और दुकान क्यों खुली हुई है कि यूजीसी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। दोस्तों, आप सबने सुना होगा, कुछ साल पहले, कोई 5-6 साल पहले एक स्कैम सामने आया था। एक यूनिवर्सिटी थी मेघालय में, उसने हज़ारों पीएचडी अवार्ड कर दी थी। स्कैम हुआ, कांड हुआ। दोस्तों, उसमें हुआ क्या, ये यूनिवर्सिटी वाले अभी भी इसका फ़ायदा कैसे उठा रहे हैं ये जानते हैं। कुछ भी अगर होगा ना पंगा, तो जो स्टूडेंट्स ने ली है, जिन्होंने गलत तरीके से लिया, वो बेचारे सामने नहीं आते। सामने क्यों नहीं आते? दोस्तों, मेरी तो एक सिंपल सी एक सोच है, मेरा बोलना है कि रिक्रूटमेंट जब होती है ना, बंदे की क्वालिटी के बेस पर, ये डिग्रियों के बेस पर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इंसान को बोलते ना, 3 Idiots movie बोलता है कि काबिल बनो तो कामयाबी झकमार के आपके पीछे आएगी। लोग काबिल नहीं है। बस लोग क्या सोचते हैं, जब भी कोई भी इश्तिहार आते हैं, जब भी कोई वैकेंसीज निकलती हैं, हमें मास्टर्स चाहिए, हमें ग्रेजुएट चाहिए। अरे यार, इंटरव्यू लो, 12th pass में भी इतना टैलेंट है हमारे हिंदुस्तान में कि 12th pass बंदा भी बीट करता है 12th graduate वालों को या मास्टर्स को, जो बंदे ये खामखा मारकर खरीद के लेके आ जाते हैं। PhD काफ़ी बार निकलती है, PhD अबे तुम क्या घंटा पढ़ाओगे जाके कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, जब तुम्हें खुद को नहीं पता रिसर्च क्या होती है। दोस्तों, पहले तो ना लगाम कसो यार इन यूनिवर्सिटी वालों पर, क्योंकि देखो, मैंने अक्सर देखा है भांडा फूटता है, स्कैम आते हैं, न्यूज़ में आते हैं, छपता है, फलाना डिगड़ाना बहुत कुछ होता है, FIR होती है। पकड़े कौन लोग जाते हैं? इंस्टीट्यूट वाले या फिर स्टूडेंट। जबकि मेन मुद्दा क्या है, मेन जड़ क्या है, वो है यूनिवर्सिटी। जब तक आप मेन हैंडलर को ख़त्म नहीं करोगे, जब तक ये क्राइम बंद नहीं होगा, आप जो मर्जी कर लो। दोस्तों, सप्लाई का एक मेन ऑब्जर्विंग पॉइंट होता है, इमर्जिंग पॉइंट को स्टॉप कर दोगे ना, तो सप्लाई रुक जाएगी। ये यूनिवर्सिटीज गलत करती हैं, छोटे छोटे इंस्टीट्यूट का थोड़ा लालच देती हैं, वो इंस्टीट्यूट काम चालू कर देता है, बेचारा बाद में कुछ कांड होता है, यूनिवर्सिटी पल्ला झाड़ लेती है। यार,
यूजीसी वाले ना, मैं पीछे पड़ा हुआ हूँ यूजीसी वालों के, इसीलिए कि भाई आप प्लीज़ कुछ करो यार। कोई इंसान है वो कंप्लेंट करता है इनकी, उसी कंप्लेंट की कॉपी के साथ आप इनको भेज देते हो, ये लोग वहाँ से दबाव बनाना शुरू कर देते कंप्लेनेंट के ऊपर, तो एक्शन कहाँ से होगा? एक्शन होगा नहीं कभी भी। तो PhD बहुत तगड़ा स्कैम चल रहा है। अभी जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, मैं सिर्फ उसका एक ओवरव्यू थोड़ा सा आपको एक लिटरेचर रिव्यू बोल दो इसको, आप व्यू दे रहा हूँ छोटा, इनका भांडा फोड़ूंगा ढंग से थोड़े दिन के बाद। अभी तो ठीक है, तो देखते हैं अभी इन वीडियो से कितने लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, और नहीं पड़ा तो हम कोशिश जरूर करेंगे, हम फाइट जरूर करेंगे अपनी, हमारे साथ क्या होगा उस अंजाम की हम लोग फर्क नहीं पड़ते, हम लोग कुछ भी। पर दोस्तों जरूर मैं कोशिश देखो, अच्छा मैं आपसे एक बात और बोलूँगा जरूर दोस्तों, आपको अगर लगता है ना ऐसा कि मतलब मैं गलत कर रहा हूँ या मैं खुलकर इतना क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, एक ना एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, आपके एरिया जहाँ पर रहते हो बहुत गंदगी अगर फैल जाए तो क्या गंदगी को आप साइड से साफ कर सकते हो? नहीं कर पाओ, गंदगी के अंदर आपको घुसना पड़ेगा। मैं घुस रहा हूँ, घुसूंगा, अंदर से साफ करूंगा, बट इन कमीनों को ना, इनकी मनचाही दादागिरी बदमाशी नहीं करने, ये बदमाशी नहीं चलेगी। काम करना है, यूनिवर्सिटी चलानी है यार, यूनिवर्सिटी लेते हो तुम सालों, तुम्हारे पास तो ढंग से मतलब क्या बोलो फैसिलिटीज तक नहीं है, क्या तुम लोगों को क्लास प्रोवाइड करो? ठीक है दोस्तों, PhD के बारे में मैंने बहुत कम बोला है, मैंने बहुत ही कम बोला है आज, अगली वीडियो में ढंग से इसका वांडा फोड़ूंगा, मैं कोशिश करूंगा पूरी, क्योंकि लोगों मुझे भी उल्टे सीधे लोग कॉल बजाने शुरू कर देते हैं, बट आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद बोलता हूँ, आप मेरी मुहिम में जुड़ते हो, मेरे बोल खोल मूवमेंट में आप लोग जुड़ रहे हो। तो दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक के साथ। वैसे मैं आपको एक बता दूँ, डी फार्मेसी, जो फार्मास्यूटिकल जो लोग फार्मासिस्ट लोग बनते हैं ना, जो डिग्रियाँ लेते हैं, इसका बहुत बड़े लेवल पर स्कैम हुआ दोस्तों, बहुत बड़े लेवल पे फेक मार्कशीटों पर लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा ली। PCI इतनी बेवकूफ, फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया, बिना वेरिफिकेशन के लाइसेंस बांट, खोलूंगा इसका नंबर लगाएंगे। ठीक है, अगली वीडियो मिलते हैं एक नई चीजों के साथ, तब तक टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद। और मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।